उन अंग्रेजों का जुल्म दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। चित्तू पांडे आप हमारी मदद कीजिए। अब आप भी हमें बचा सकते हैं चित्तू पांडे जी। मदद कीजिए, बचा लीजिए हमें। अब एकमात्र आप ही उम्मीद हमारी बचे है। बस बहुत हो गया इन अंग्रेजी सरकारों का संग। अब मुझे इन मासूम गांव वालों को करना ही होगा। परमानंद जी, तुम क्या कर सकते हो? मैं लकड़ी का काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मुझे लकड़ी का औजार जल्द से जल्द चाहिए। जी कंचन, पूरे गांव वालों को एकजुट कराओ। जी शिवानंद जी, तुम क्या कर सकते हो? मैं लोहे का हथियार बना सकता हूँ। तुरंत वो हथियार चाहिए मुझे। बिल्कुल दिया बनाकर। मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। अब हम उन अंग्रेजों को दिखा देंगे कि पूर्वांचल के इस धरती से टकराना तुम्हारे लिए कितना भारी पड़ेगा। हम सारे गांव वाले मिलकर एक सैनिक की तरह उन अंग्रेजों का सामना करेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम उन अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम उन अंग्रेजों को दिखा देंगे कि पूर्वांचल का जब एक गरीब किसान सैनिक बनता है तो वो क्या कर सकता है। हम उन अंग्रेजों की धज्जियां बिगाड़ देंगे। हाँ, और अब समय आ गया है एकजुट होने का। हाँ हम एक हैं, हम एक हैं। भारत माता की जय।